यूक्रेन की यात्रा पर कीव पहुंचे पीएम मोदी, राजधानी में हुआ भव्य स्वागत। पोलैंड से स्पेशल ट्रेन फोर्स वन से यूक्रेन तक का किया पीएम ने सफर। यूक्रेन की राजधानी कीव में आज करीब 7 घंटे बिताएंगे प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति जेलेंस्की से होगी मुलाकात। पीएम मोदी ने यूक्रेन और पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध को लेकर जताई चिंता का। भारत की सोच है कि वो किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं करता। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से 8वें दिन सीबीआई की पूछताछ, कल 10 घंटे से ज्यादा हुए थे सवाल, अब तक 88 घंटे से ज्यादा की पूछताछ। कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय की आज कोर्ट में पेशी, संजय रॉय समेत 6 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की भी तैयारी। संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टर का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, चारों ट्रेनी डॉक्टरों ने मृतका के साथ आखिरी डिनर किया था। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने की कोलकाता पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार करने की मांग, कोलकाता पुलिस पर लगाए पत्रकारों को डराने और धमकाने का आरोप। रेप मामलों को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा देश में रेप की घटनाओं को रोकने के लिए कानून लाने की जरूरत। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल से की अपील, कहा बंगाली लोगों की भावनाओं को देखते हुए केस छोड़ें। आज से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू, 60,000 से ज्यादा पदों के लिए 60 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल, अब तक 48 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के जमानत मामले में सीबीआई ने जवाब किया दाखिल, गिरफ्तारी को अवैध बताने वाले में सीबीआई ने जवाब किया अपना, सीबीआई का जवाब आना इसमें बाकी, अब 5 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। नाभा जेल ब्रेक कांड के मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह और रोमी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, पंजाब पुलिस रात 3:15 बजे नाभा के स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने किया गया था पेश। विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप का, ब्रिजभूषण सिंह पर आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों की सुरक्षा हटाई गई, दिल्ली पुलिस ने कहा सुरक्षा वापस लेने का कोई आदेश नहीं है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की आवास पर अहम बैठक, चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी, राम माधव समेत कई नेता मौजूद, सीट बंटवारे पर हो रही है चर्चा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, सूत्रों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ 35 से 40 सीटों पर बन सकती है सहमति। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का चुनाव को लेकर बड़ा बयान, कहा झूठ और गलत नैरेटिव सेट करने वालों पर रहेगी नजर। ओडिशा विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, स्पीकर के चेयर तक पहुंचे बीजेडी और कांग्रेस के विधायक, गंजम जिले में शराब त्रासदी को लेकर विरोध। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा निशाना, कहा चुनाव से पहले मोदी सीना तान कर रखते थे और अब उनके कंधे झुक गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, कहा लोगों को भड़काना चाहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं आर्टिकल 370 को दोबारा बहाल करेंगे। वक्त संशोधन बिल पर गठित जेपीसी के सदस्य पहली बैठक में, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रेजेंटेशन से असंतुष्ट, 30 अगस्त को होगी जेपीसी की अगली बैठक। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस थाने पर पथराव करने वाले आरोपी शहजाद हाजी की कोठी पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को ढहाया गया। छतरपुर पुलिस ने पथराव करने के आरोप में 46 नामजद और 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर दर्ज किया केस, वीडियो फुटेज से कराई जा रही है पहचान। छतरपुर मामले में सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, का मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है, कोई भी सुनियोजित तरीके से कानून को हाथ में ले ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी के कन्नौज में हुए रेप कांड में प्रशासन ने आरोपी नवाब सिंह के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन, तीरवा में नवाब के करीबी के कोल्ड स्टोर को किया ध्वस्त। अयोध्या गैंगरेप के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर से ढहाया गया, तालाब की जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का आरोप। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई, स्पेशल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो किया पोस्ट, लिखा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने देश की उपलब्धियों पर गर्व। अंतरिक्ष दिवस के मौके पर इसरो के वैज्ञानिकों का बयान, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के दौरान पीएम मोदी लगातार संपर्क में थे। अक्टूबर से देश में टूरिस्ट डेस्टिनेशन को जोड़ेगा सी प्लान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से गुवाहाटी तक का रूट तय, उड़ान स्कीम के तहत होगी सी प्लेन का संचालन। 25 अगस्त को 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देंगे और संवाद करेंगे पीएम, 5,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन भी जारी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास पर कल कर्मचारी संगठन के नेताओं की पीएम के साथ हुई बैठक, पेंशन एनपीएस समेत कई दूसरे मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। आईएएस गोविंद मोहन ने संभाला केंद्रीय गृह सचिव पद का कार्यभार, 1989 बैच के आईएएस गोविंद मोहन का केंद्र सरकार में काम करने का एक बहुत बड़ा अनुभव। दिल्ली में वृद्ध और विधवा पेंशन को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, 9-10 महीने में से पेंशन नहीं मिलने का आरोप। जेड प्लस सिक्योरिटी मिलने पर शरद पवार ने उठाए सवाल, का सुरक्षा क्यों दी गई, उन्हें नहीं पता कहीं विधानसभा चुनाव में नजर रखने के लिए तो नहीं दी गई सुरक्षा। त्रिपुरा में भारी बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड में 20 की मौत, कई लोग लापता, अगली सूचना तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज।
त्रिपुरा में बाढ़ के बीच भारतीय सेना का बचाव अभियान जारी, अब तक 330 नागरिकों को बचाया गया। गृहमंत्री ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से बाढ़ के हालातों पर की बात, 30,000 से ज्यादा लोगों ने बाढ़ राहत शिविरों में ली है शरण। मणिपुर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, राजधानी इम्फाल में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, सड़कें हुई लबालब। उत्तराखंड के रामनगर में बरसाती नाले में बही कार, स्थानीय लोगों ने कार सवार 4 लोगों को बचाया। उत्तराखंड के नैनीताल में बरसाती नाले में बह गया एक शख्स, स्थानीय पुलिस लापता शख्स की फिलहाल तलाश कर रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में हाईवे पर पहुंचा बाढ़ का पानी, सैलाब में बहे मोटरसाइकिल सवार, स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। झारखंड के गुमला में बारिश के बाद कई गांव बने टापू, पुल के ऊपर से बहने लगी नदी। मध्य प्रदेश के सागर में तेज आवाज में सुंदरकांड के पाठ से नाराज वकील ने तानी पिस्तौल, पीड़ित की शिकायत पर वकील के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के हापुड़ में बिजली विभाग के ऑफिस में कर्मचारियों के शराब पीने का आरोप, वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश की सीधी में बैटरी चोरी के शक में युवक की पिटाई, इलाज के दौरान रीवा में युवक की मौत, पिटाई का वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ के धमतरी में गाय का शिकार करते हुए तेंदुआ हुआ कैमरे में कैद, जंगल में लगे वन विभाग के कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। यूपी के अमेठी में चलती मोटरसाइकिल पर स्टंट का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल को सीज किया, हिरासत में आरोपी। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के सार्वजनिक जगह पर बोलने पर लगाया प्रतिबंध, कानून नहीं मानने पर देंगे कड़ी सजा। यूक्रेन के रूस में घुसकर हमले के बाद रूस के सैनिकों का पलटवार शुरू, पुतिन ने यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करने का दिया आदेश, यूक्रेन के पूर्वी शहर प्रोकोस्क को खाली करने की चेतावनी। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच इसराइल लेबनान सीमा पर भयंकर गोलाबारी, खियाम शहर को इसराइल ने बनाया निशाना, धुएं के उठे गुबार। दक्षिण पश्चिमी आयरलैंड में फटा भयानक ज्वालामुखी, दूर तक गर्म लावा निकलता दिखाई दिया, 30,000 लोगों की बड़ी मुश्किलें।